हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आर2 डिफेंस अकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से SSC GD फिजिकल डेट आपका जो है कि कब आने वाला है और फिजिकल में क्या क्या होता है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ये सब चीज़ें आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार बताने वाला हूं कि कब आपका जो है कि एडमिट कार्ड रिलीज किया जाएगा, फिजिकल के लिए जो है कि आपको कब इन्वाइट किया जाएगा, फाइनल कटअप कितना जाने वाला है, तो सब मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार ही बताने वाला हूँ। सो गाइज, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपको कोई भी नोटिफिकेशन SSC GD से रिलेटेड आए, एडमिट कार्ड या अदर चीज़ें कोई भी आए तो मैं आपको बता सकूं। तो चलिए, ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए सीधे आपके टॉपिक पे आते हैं। देखिए, आपका फिजिकल डेट कब तक आने वाला है। तो देखिए, रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया गया है, मार्क्स विथ मार्क्स के साथ आपके जो है कि नंबर भी दिखाई दे रहे हैं। आपका जो है कि एडमिट कार्ड फिजिकल के लिए कब आने वाला है, तो देखिए 1 से 1.5 महीने बाद आपका जो है कि इसी महीने में या तो आपके जो है कि मई के फर्स्ट वीक में आपका जो है कि एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा SSC GD का फिजिकल लेने के लिए। और फिजिकल आपका जो है कि कंडक्ट कराने के लिए आपका एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा ताकि आप जो है कि फिजिकल भी अच्छे तरीके से दे पाएँ। और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि देखिए कितने कैंडिडेट जो है कि फिजिकल के लिए इन्वाइट किए जाएंगे, ठीक है। तो सभी कितने कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया है, तो 285,201 कैंडिडेट को जो है कि मेल फीमेल मिलाकर जो है कि सेलेक्ट किया गया है फिजिकल के लिए। और जो है कि फ़ीमेल की बात करूँ तो 31,657 कैंडिडेट जो है कि फ़ीमेल हैं जो कि सेलेक्ट किए गए हैं ये फिजिकल के लिए। और मेल कैंडिडेट जो है कि सेलेक्ट किए गए हैं 253,554 कैंडिडेट को जो है कि सेलेक्ट किया गया है SSC GD में। ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन अपेयरिंग इन PET एंड PST अलॉन्ग विद द मार्क्स एंड डेट ऑफ बर्थ ऑफ द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट आर एज फॉलो। तो देखिए, PET PST के लिए इनको जो है कि सेलेक्ट किया गया है। फीमेल 31,000 समथिंग हैं और जो है कि 253,000 जो है कि समथिंग कैंडिडेट जो है कि मेल कैंडिडेट हैं, फीमेल 31,000 हैं। 285,000 कैंडिडेट को जो है कि सेलेक्ट किया गया है, ऐसा आप जान भी रहे हैं, कोई बताने की बात नहीं है। अब फिजिकल PST और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और जो है कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपका क्या क्या होने वाला है। तो देखिए, यदि आप का एडमिट कार्ड आएगा, यदि आप जो है कि सेलेक्ट हो चुके हैं एडमिट कार्ड से पहले, आने से पहले आप जो है कि फिजिकल स्ट्रांग कर लीजिए, क्योंकि फिजिकल स्ट्रांग रहेगा तभी आप जो है कि PST और जो है कि PET सही से अच्छे तरीके से आपका फिट हो पाएगा। देखिए, PST फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपका क्या होने वाला है, तो 5 किलोमीटर यदि मेल कैंडिडेट है तो 5 किलोमीटर रनिंग कराया जाएगा, 24 मिनट में आपको कंप्लीट करना होता है। यदि आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 1600 मीटर 8.5 मिनट में आपको जो है कि कंप्लीट करना होता है। रिमार्क्स मतलब और भी छूट मिलने वाला है, तो लद्दाख रीजन से जो लोग बिलोंग करते हैं, मैं आर2 डिफेंस टेलीग्राम चैनल पर ये छूट जितना दिया गया है एंड अदर चीज़ें मैं उस पर सेंड कर दूँगा, आप देख सकते हैं एंड कितना किस राज्य को किस कहाँ कहाँ किसको ज़्यादा छूट मिलने वाला है रनिंग अदर चीज़ें में, ठीक है। फिर यदि आप लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं तो आपको जो है कि मेल कैंडिडेट है 1600 मीटर आपको रनिंग करना होगा, 6.5 मिनट में आपको कंप्लीट करना होगा। यदि फीमेल कैंडिडेट है तो 800 मीटर रनिंग करना होगा, 4 मिनट में आपको कंप्लीट करना होगा, तभी आप जो है कि सेलेक्ट होंगे। यदि वुमेन कैंडिडेट हुआ एज ए रिजल्ट ऑफ टेस्ट फाउंड टू बी प्रेगनेंट ऑफ 20 वीक्स स्टैंडिंग आर ओवर शैल बी डिक्लेयर टेम्पोरली अनफिट, ठीक है। तो देखिए, जो महिला हैं वो प्रेग्नेंट हैं, टेस्ट कराई हैं, प्रेग्नेंट है, उनका जो है कि 12th वीक हो चुका है, तो कोशिश करें कि ना दे फिजिकल, ठीक है, वो अब पहले से ही अनफिट माने जाएंगी एंड अदर चीज़ें भी प्रॉब्लम होने वाली है। तो आप आगे मैं इसको जो है कि सेंड कर दूंगा, आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा क्या सब दिया गया है। इसके बाद जो है कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका जो है कि क्या होने वाला है, एक जिम्मेदारी होगी जैसे कि आप जो है कि मेडिकल टेस्ट अंदर थे। देखिए, ओवरऑल डिक्लेयर टेम्प्रेरी अनफिट रिजर्व हर शैल बी री एग्जाम फॉर एग्जामिनेशन ए सब्जेक्ट टू प्रोटेक्ट मेडिकल सर्टिफिकेट फिटनेस फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन मेडिकल। ये बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं यदि आप जो है कि इस समस्या से झेल रहे हैं, तब इस चीज़ें से झेल रहे हैं, सॉरी समस्या नहीं, ये तो समस्या नहीं होती है, जो होता है तो होता है, ठीक है। तो ये आप पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से, मैं सेंड कर दूँगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST में आपका क्या होता है, तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका जो कि हाइट नापा जाता है। यदि मेल कैंडिडेट है तो 170 सेंटीमीटर आपका जो है कि हाइट होना चाहिए, और फीमेल कैंडिडेट है तो 157 सेंटीमीटर आपका जो है कि लंबाई होना चाहिए। और फ्यू कैटेगरी कैंडिडेट अलाउड टू हाइट एंड रिलैक्सेशन भी मिलता है, तो मैं सेंड कर दूँगा कौन कौन से
लोगों को जो है कि एज रिलैक्सेशन हाइट भी मिलती है। देखिए पहले आप जो है कि जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स आपका तैयार रहेगा, डॉक्यूमेंट पर एडमिट कार्ड जब आएगा तो मैं अच्छे तरीके से बना दूंगा। डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या लेकर जाना है, डॉक्यूमेंट अच्छे तरीके से ले जाइएगा। उसके बाद आपका जो कि हाइट नापा जाता है, फिर चेस्ट, चेस्ट में जो कि चेस्ट नहीं दिया गया, चेस्ट आपका जो है कि नापा जाता है। आपका जो है कि 80+ होना चाहिए और 5+ आपका जो है कि फूलना चाहिए, 5 भी फूलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, तो आपका 80 होना चाहिए। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया है, सब कुछ आप देख सकते हैं, ठीक है। चेस्ट आपका पहले लंबाई नापी जाती है, फिर सीना नापा जाता है, फिर आपको जो है कि दौड़ाया जाता है। ये होता है फिजिकल में, पहले आपका लंबाई नापी जाती है, फिर सीना, ये फीमेल कैंडिडेट का सीना नहीं नापा जाता है, ठीक है। और जो है कि आपको दौड़ाने की प्रक्रिया इसके बाद ही होती है, पहले आपका हाइट, फिर सीना, फिर आपका जो है कि दौड़ाने की प्रक्रिया। तो फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल PST में, आप PST और PET में आपका जो है कि कंप्लीट होने के बाद जो है कि आपको मेडिकल के लिए कुछ दिनों बाद, 1 महीने 1.5 महीने बाद आपको बुलाया जाता है। फिर आपका जो है कि कंप्लीट फाइनल मेरिट बता दूँ, फाइनल आपका कटअप कितना, देखिए जितना कटअप बना है बस उससे 3 से 4 नंबर जो है कि फाइनल कटअप जाने वाला है, बढ़कर बस इतना ही जाने वाला है और ज़्यादा कुछ जाने वाला नहीं है। क्योंकि देखिए 25,000 वैकेंसी है, 285,000 समथिंग, 8-10 गुना कैंडिडेट को, समथिंग 10 गुना कैंडिडेट को जो है कि बुलाया गया है। तो वो कुछ फिजिकल में छट जाएंगे, कुछ सीना में, कुछ हाइट में छट जाने वाले हैं। तो 3 से 4 नंबर यदि आपका बेसी है कटअप से तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सो गाइस, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।